तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला, और एडवांस एक्सेल फॉर्मूले में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं रेफरेंसेस फॉर्मूले के ऊपर। रेफरेंसेस फॉर्मूला जो कि हमें यूज होता है हमें रेफरेंस वगैरह क्रिएट करने के लिए, और इसका काफ़ी अच्छा एक बेनिफिट होता है, तो आज हम इस क्लास में इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है फॉर्मूला एड्रेस का। देखिए एक्सेल में जो एड्रेस होता है A1, B1, C1 इस तरह से एड्रेस होता है। अगर सपोज कि आपके पास अगर रो एंड कॉलम नंबर में हो कि 8वां नंबर रो और 7वां नंबर कॉलम, तो इसका वैल्यू कैसे ली जा सकती है, एड्रेस कैसे बनाया जा सकता है। तो एड्रेस फॉर्मूला अगर हम रो एंड कॉलम देते हैं तो इसके एड्रेस अल्फाबेटिक में इस फॉर्मेट में रिटर्न करता है GH। तो GH इसने रेफरेंस अलग किया, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे इसके लिए लगाना पड़ेगा आपको इनडायरेक्ट का फॉर्मूला। इनडायरेक्ट हमने इसको सिलेक्ट किया, यहां पे हमारे सामने इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया और आगे राइट सर। ठीक सर, तो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इनडायरेक्ट क्या करता है, मैं लास्ट कुछ क्लास पहले भी बताया था, इनडायरेक्ट का काम होता है कि जो नंबर है जो करेक्टर है जो रेफरेंस करेक्टर में आ गया टेक्स्ट में आ गया उसको रेफरेंस में कन्वर्ट करता है। बट इसका बेनिफिट क्या है, चलिए इसके बेनिफिट के बारे में हम आपको बताते हैं। तो हमारे पास एक छोटा सा डेटा हम मैं यहां पर बनाता हूं, नेम एंड क्वार्टर। अब मान लीजिए मुझे इसमें उदय का Q1 का टोटल सेल्स चाहिए, मतलब उदय यहां दिखा और Q1 इसका मुझे सेल्स चाहिए 152, कैसे आएगा। तो इसके लिए यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे चूज का। सबसे पहले चूज फॉर्मूला क्या करेगा, मुझे पता करना है कि हर क्वार्टर जो भी क्वार्टर नंबर यहां डलेगा इस क्वार्टर नंबर का स्टार्टिंग मंथ क्या है, जैन अप्रैल जुलाई सितंबर, नहीं जुलाई को अक्टूबर होता है ना, अक्टूबर जैन अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर आ गया सर। टू करते हैं तो दूसरा तीन का तीसरा हर महीने का फर्स्ट डेट आ गया। तो चूज फॉर्मूला समझे, चूज फॉर्मूला क्या करता है, ठीक है चूज फॉर्मूला का काम क्या है समझे। हाँ जी सर, चूज फॉर्मूला का काम होता है कि अभी हम इफ भी लगा सकते हैं, कई सारे इफ लगाना पड़ेगा, तो ये सीक्वेंस नंबर है, यहाँ पे 1 आएगा तो जैन देगा, 2 आएगा तो अप्रैल देगा, मतलब कि जो यहाँ इंडेक्स नंबर जो होगा 1, 2, 3, 4, 5 उसके हिसाब से उतने वैल्यू को यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है, ठीक है समझे, समझ गया सर। अब मैं यहाँ पे मैथ का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब मैथ फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी सेल वैल्यू को रो एंड कॉलम में
मैच करता है, और मैच करके बताता है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो लगाने का तरीका सिंपल है, हमने यहाँ पे लिखा जै मतलब कि लुकअप वैल्यू, हमने अपना रो या कॉलम नंबर दे दिया और 04 एग्जैक्ट में। अगर नंबर होगा, अगर मान लीजिए जैन एग्जिस्ट करेगा तो एक नंबर शो करेगा। अब ये नंबर क्या है? नंबर है इंडेक्स नंबर। यहाँ से काउंट किया उसने 1 और 2 दूसरे नंबर पोजिशन पे है, तो जो भी मंथ में डालूंगा ये बता देगा कि सब पोजिशन क्या है, कि अप्रैल पांचवें नंबर कॉलम पे है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें नंबर कंडीशन पे कॉलम पे। फिर यहाँ वापस मैंने मैच लगाया और हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया और हमने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया 0.0। तो मैच जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों चलता है। तो अगर वर्टिकल है तो रो नंबर देगा, हॉरिजॉन्टल है तो कॉलम नंबर देगा। तो इसने 6 नंबर रो दे दिया यहाँ से। तो रो मतलब कि ये नंबर नहीं काउंट किया, रो नंबर नहीं दिया, इसने काउंटिंग किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस 6 नंबर रो से इसको कोई मतलब नहीं है, 6 नंबर इंडेक्स नंबर इसने दिया। तो मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ जो हमने डाला हुआ है हमारा क्वार्टर नंबर 2, वो पांचवें नंबर कॉलम और छठे नंबर रो से स्टार्ट है। तो एडजस्ट फॉर्मूला की मदद से हमने इसका एक एडजस्ट तैयार कर लिया E6। फिर वापस हमने यहां पे एडजस्ट फॉर्मूला लगाया और हमने बोला रो नंबर 6 और यहां पे कॉल नंबर 5 प्लस 2, तो G6 हो गया। मतलब कि मेरी वैल्यू, मेरा जो फॉर्मूला है, मेरा जो रिजल्ट है E6 से लेके G6 तक। लेकिन क्या होता है जब हम सम वगैरह लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम इस तरह से रेफरेंस दे रहा होता है ना सर। तो हमने कॉनकाटा नेट कर लिया और इसको आपस में मर्ज कर दिया। फिर इक्वल सम में हमने इसको सिलेक्ट करके सम किया, बट आया नहीं क्योंकि ये जो E6 से G6 आया है वो करेक्टर में आया है, मतलब कि ये कोई नंबर नहीं है, करेक्टर है, सॉरी रेफरेंस नहीं है, मतलब कि ABCD है। तो यहां पे हम इस E17 को इनडायरेक्ट फॉर्मूला में डालें। अब आ गया रिजल्ट सही। तो सिप्रियन जी कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं अभी तो देख ही रहे हो क्या रहा है। सुनिए बात सुनिए, इसके लिए हमें जो चाहिए, हम यहाँ क्वार्टर नंबर लिखे और नेम लिखे, उस क्वार्टर का सम आ जाए। तो पहला नहीं, क्वार्टर एक कॉलम पे नहीं, क्वार्टर एक कॉलम का बात नहीं है, ये दो तीन कॉलम है, तीन कॉलम होगा कम से कम। और क्वार्टर टू किया है, उदय किया है, उदय के अंदर क्वार्टर टू मतलब कि अप्रैल मई जून इन तीनों का टोटल चाहिए, समझे? सबसे पहले हमने इस क्वार्टर नंबर के अगेंस्ट में इस महीने का स्टार्टिंग मंथ मुझे निकालना है, क्योंकि हर क्वार्टर अलग अलग होता है ना। इसके लिए हमने चूज का इस्तेमाल किया। यहाँ पे इस भी इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और हमारा नंबर सीक्वेंस में 1, 2, 3, 4 है, इसलिए हमने यहाँ पे चूज का इस्तेमाल किया। यहाँ तक समझ में आया आपको? हाँ जी। अब प्रॉब्लम आ गया कि अप्रैल कौन से कॉलम में है, ये भी पता करना पड़ेगा ना। हाँ जी। तो इसलिए हमने मैथ का फॉर्मूला लगाया। मैथ ने बता दिया कि ए हमारा पांचवें नंबर कॉलम पे, तो सिर्फ कॉलम से तो नहीं चाहिए, हमें तो रो भी चाहिए होगा ना सर। हाँ जी। तो हमने मैथ फॉर्मूला से हमने उदय का रो निकाल लिया। तो मेरे पास 5 नंबर कॉलम एंड 6 नंबर रो है, तो हमने इसको एड्रेस में डाला तो हमारा एड्रेस बन गया, स्टार्टिंग एड्रेस बन गया। अब हमें पता है कि हमारा मंथ सीक्वेंस में, तो अगर E6 से स्टार्ट हुआ है तो उसके 2 कॉलम बाद हमारा मंथ क्वार्टर एंड होगा, तो हमने यहाँ पे प्लस 2 कर दिया। मतलब कि मेरा डेटा E6 से G6 है, लेकिन दोनों अलग अलग सेल पे निकला है, हमें एक एड्रेस फॉर्मेट में चाहिए, तो हमने इसको आपस में कंबाइन कर लिया। अब कंबाइन होने के बाद मेरे पास एड्रेस आ गया, मुझे इस एड्रेस का सम चाहिए, तो डायरेक्ट से सपोर्ट करेगा नहीं सम को, इसलिए हमने इसको इनडायरेक्ट के अंदर में डाला, जो कि इसको जो है कन्वर्ट कर देगा रेंज में, और सम निकाल दिया। अब समझ में आया? हाँ जी।
प्रॉब्लम है कि मुझे एक सेल में चाहिए, तो चलिए इसको फॉर्मूला मर्ज करते हैं। सबसे पहले हमने चूज को कॉपी किया, और जहां चूज हमने लिए हुए हैं कहां लिया हुआ है C16 पे हमने पेस्ट कर दिया, और चूज को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमने इस मैच को कॉपी किया, मैच इन दोनों पे यूज किया गया है, मतलब कि D16, तो जहां जहां D16 है वहां उसका फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं। यहां भी D16 यूज किया गया है, अब मैं D16 इसको डिलीट कर सकता हूं। फिर वापस हमने इसको कॉपी किया और जहां जहां D17 है वहां पेस्ट कर देते हैं, और यहां भी हमारा D17। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। अब मैंने इसको कॉपी किया और कहां गया C17, तो C17 जहां है वहां पर C17 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, और D17 का फॉर्मूला सेम कॉपी किया, और यहां हमने D17 की जगह पे उसका फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब इन दोनों को हम डिलीट करते हैं, और फिर वापस हम इसको कॉपी करेंगे, और यहां जहां D17 है वहां इसको हमने पेस्ट कर दिया, कट किया और इसके यहां पर पेस्ट। रिजल्ट आपके सामने है। ये इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने में दिक्कत होता, लेकिन हमने जो मर्ज करते चले गए तो इजी हो गया ना सर। लेकिन जब तक इसको ट्राई नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो इसके लिए जो मैं एग्जांपल बताने का क्या मतलब क्या है समझे? मतलब ये है कि हर चीज के लिए फॉर्मूला होगा ये गारंटी नहीं है। हम कई सारे फॉर्मूले को लेंगे, उससे अपना काम निकाल लेंगे। जैसे यहां पे देखिए, समझे? अगर मैं इस फॉर्मूले को इंडिविजुअली सिखाऊं तो उससे खुदा भी आपको आइडिया नहीं लगेगा कि इस तरह का काम भी हो सकता है। हाँ जी, ओके सर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले, इस एग्जांपल में आपने क्या सीखा? आपने इनडायरेक्ट फॉर्मूला को सीखा, आपने एड्रेस फॉर्मूला को सीखा, आपने मैथ को सीखा, और आपने चूज को सीखा। सारे मामले समझ में आ गया? हाँ जी, तो? हाँ जी, हाँ जी। अब कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले उसको देख लें, जैसे कि रो फॉर्मूला। अब जैसे कि मैं यहाँ पे रो फॉर्मूला लगाता हूं, तो जिस सेल में लगाते हैं उस सेल का रो नंबर दिखाता है, या उसके अंदर आपने किसी का रेफरेंस दे दिया तो उसका रो नंबर दिखाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि आपका डेटा है और डेटा में सीक्वेंस नंबर डाला हुआ है, और होता है ना कभी कभी हम डेटा फालतू डेटा डिलीट कर देते हैं, तो आपने अगर डेटा इस तरह से डिलीट किया तो आपका सीक्वेंस या मेंटेन होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं रो फॉर्मूले के जरिए लगाता हूं सीरियल नंबर, अगर बीच में से कोई डिलीट होता है तो रो अपने आप को मेंटेन कर लेगा। कर लिया सर? सीक्वेंस नंबर मेंटेन होगा, बट प्रॉब्लम है कि मेरा, मुझे सीरियल नंबर यहां से स्टार्ट करना है। तो अगर मैं यहां पे रो फॉर्मूला लगा देता हूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा 9, बट हमें तो 1 से चाहिए, तो कुछ नहीं, इसमें -8 कर दीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, सीक्वेंस नंबर आ गया। इसका और भी बहुत सारे जगह पर काम करते हैं, जैसे कि मैं डेटा पे बताता हूँ आपको। मान लीजिए मुझे इस डेटा में मतलब कि हर तीसरा नंबर चाहिए, हमें फिल्टर करना है हर तीसरे नंबर रो को। बात समझे सर? पहला, दूसरा, तीसरा, मुझे ये चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो यहां पे मैं रो का फॉर्मूला लगाऊंगा, रो फॉर्मूले में मैंने -1 करके मैंने सीरियल नंबर बना दिया। फिर हमारे पास एक मोड का फॉर्मूला होता है जो सेफल निकालता है, रिमाइंडर निकालता है, तो हम 3 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं। अगर 3, जहां जहां 3 का मल्टीप्लेक्स होगा वहां पे 0 आएगा। आ गया सर? और फिर बड़ा आएगा, तो मैं समझ नहीं पाया, आपने रो का फॉर्मूला लगाया, -1 क्यों किया?
माइनस वन इसलिए किया होगा कि मैं रो यहां से काउंटिंग चाहिए हमें, अगर ऐसा ना करेंगे तो टू हो जाएगा। ओके 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 ठीक है ना। और ये मोड का फॉर्मूला सुनना है क्या करता है, दोबारा बोलिएगा मोड को आपने कुछ चीज। मोड का फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालता है रिविंदर। जैसे मैं बताता हूं आपको कि अगर हम मान लीजिए कि 14 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 2 10 4 बचा ना सर, इसके आगे पॉइंट लगेगा, पॉइंट देना पड़ेगा ना सर। हाँ जी। तो इसको बोलते हैं क्षेत्रफल रिविंदर, इस चीज को निकालता है। तो हमने किया, हर नंबर को 3 से डिवाइड करवाया और मोड निकाला। तो जहां 3 का एक्चुअल हो रहा है, जैसे 3 से 3 डिवाइड हो जा रहा है, कोई शेषफल नहीं, 0 है, मतलब तो 3 का गुणांक है, 3 का डिवाइडर है, हर 3 के मल्टीप्लेक्स में आपको 0 देगा। हर तीसरा नंबर मुझे चाहिए जहां 0 है उठा लेंगे। समझे सर? ठीक है। बाकी रो फॉर्मूले का यूज हम आगे चल के इस पे एरे में भी करते हैं। अभी जैसे आपने देखा रो का जो यूज हमने किया तो वर्टिकली हुआ, अगर इसी को हॉरिजॉन्टली आपको करना हो तो रो के जगह पे आप कॉलम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम का काम ही सेम है, विदाउट इसमें। नहीं सर। हेलो? नहीं सर, नहीं। सर इसकी प्रैक्टिस कीजिए।